हेलो गाइस एंड डिजिटेक चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। हम लेके आए हैं और एक नया वीडियो। इस वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए। मैं फिर भी बोल देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूटीआई एनएसडीएल का जो पैन कार्ड का यूज़र आईडी में काम करते हैं, पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, वो डॉक्यूमेंट स्कैन और फोटो क्रॉपिंग, सिग्नेचर क्रॉपिंग, जो स्कैनर एंड क्रॉपिंग यूटिलिटी टूल्स जो होता है उसमें काम कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले। देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर है स्कैनिंग एंड क्रॉपिंग टूल्स यूटिलिटी, उसमें हम काम कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को खोल लेना है फोटोशॉप। पहले जो मेरे हिसाब से शॉर्टकट तरीके बताऊँगी, फोटोशॉप को खोल लेना है और खोल लेने के बाद आप लोगों को जो भी प्रिंटर कनेक्ट है आप लोगों के कंप्यूटर में वो ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद पैन कार्ड का जो हार्ड कॉपी होता है वो फर्स्ट कॉपी जो है फ्रंट पेज वो स्कैनर में डाल देना है। स्कैनर में डाल के स्कैन करना है। तो एक बात बताना चाहता हूँ, पहले वीडियो में आप लोग नए हैं तो वीडियो को चैनल इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप लोगों को पहले मिल सके और थोड़ा हेल्प हो सके। तो मैं चलता हूँ स्क्रीनिंग पे। देखिए मैं कैसे शॉर्टकट तरीके से स्क्रीनिंग करता हूँ। तो आप लोगों को प्रिंटर ऑन करके प्रिंटर में पैन कार्ड का जो हार्ड कॉपी का फ्रंट पेज होता है वो डाल लेना है। वो डालने के बाद आप लोगों को जाना है फोटोशॉप के फाइल के ऑप्शन पे। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन होगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट ऑप्शन में आने के बाद जो भी प्रिंटर होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा प्रिंटर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को करना है स्कैन, कलर में करना है, स्कैन करना है। स्कैन हो रहा है, फर्स्ट पेज जो वो स्कैन हो जाएगा। देखिए मैं किस तरीके से काम करता हूँ, बहुत सी शॉर्टकट तरीका है और जो फर्स्ट पेज है वो धीरे धीरे स्कैन हो रहा है। स्कैन फर्स्ट पेज हो गया तो आप लोगों को अभी क्या करना है, देखिए फर्स्ट पेज स्कैन हो गया, प्रॉपरली एंड क्लियरली स्कैन हो गया। देखिए आप लोगों को कर लेना है क्या, इस फॉर्म का जो नेक्स्ट पेज होता है बैक पेज वो स्कैनर में डाल के आप लोगों को फिर से स्कैन करना है। तो मैं डाल देता हूँ, डाल के फिर से फाइल में जाके, फिर से जो फाइल ऑप्शन है उसमें जाके इंपोर्ट में जाके प्रिंटर सिलेक्ट कर लेना है, लेके स्कैन कर देना है फिर से। देखिए दो नंबर जो पेज है सेकंड पेज वो स्कैन हो रहा है। वो स्कैन होने के बाद आप लोग देखिए मैं कैसा कैसा करता हूँ, वैसे ही काम कीजिए ताकि कोई परेशानी ना आए और शॉर्टकट तरीके से ज़्यादा समय ना ले, इसलिए ऐसा इस तरीके से काम कीजिए मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ। देखिए सेकंड पेज भी स्कैन हो गया शॉर्टकट तरीके से। अभी स्कैन करने वाले हैं हम लोग डॉक्यूमेंट, कस्टमर का जो डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी, वो स्कैनर में डाल के फिर से जाना है आप लोगों को फाइल के ऑप्शन पे, इंपोर्ट में जाके प्रिंटर सिलेक्ट करके फिर से स्कैन करना है। इस तरीके से थोड़ा शॉर्टकट होगा, एमबी क्वालिटी जो है वो एमबी भी कम होगा और क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो देखिए थर्ड नंबर पेज भी डॉक्यूमेंट का जो पेज है वो भी स्कैन हो रहा है। वो स्कैन हो गया थर्ड पेज। अभी हम लोग क्या करने वाला है, इस पेज को सेव कर लेना है। जाना है आप लोगों को ये पेज जो सेव करने वाला है, सेव करने के लिए आप लोगों को जाना है फाइल पे, फिर से फाइल पे जाके, देखिए फिर से फाइल पे जाना होगा। वो फोटोशॉप का जो कॉर्नर में फर्स्ट ऑप्शन है फाइल, उस ऑप्शन पे जाना है। देखिए सेव एज करके कोई भी फोल्डर में आप लोग सेव कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से मैं कोई भी फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। ऐसे करके आप लोगों को सभी पेज सेव कर लेना है। देखिए मेरा सेव हो गया,
देखिए मैं सेव कर लेता हूँ, अभी इसे काट करके आप लोगों को ओपन करना है स्क्रीनिंग एंड क्रॉपिंग यूटिलिटी। देखिए ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है वो आप लोगों को बाद नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। इस सॉफ्टवेयर का जो एक ख़ास बात है, इंस्टॉल करने से ही एक फोल्डर जनरेट हो जाता है। देखिए देखिए क्रॉप इमेज में जाके बैट्स नंबर पे 5 5 0 लगाना है और 1 लगाना है, 1 लगा के देखिए ऐसा एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा माई फोल्डर करके। पेन आप जो स्कैन किया है वो पेन फ्रॉम में रखेंगे। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ फोल्डर कहाँ जनरेट होगा। वो ये जो स्क्रीनिंग और क्रॉप यूटिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। देखिए इस जो फोटो शेपर है इसमें जो डॉक्यूमेंट स्कैन किया है वो ये फोटो शेपर में दे के आप लोग पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ बनाने का एक तरीका है, आप लोगों का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो नंबर डाल के पीडीएफ बनाना है ताकि स्क्रीनिंग और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ सके। ये एक्नॉलेजमेंट नहीं डालेंगे तो नहीं आएगा। ये डाल के सेव करके वो जो पीडीएफ फोल्डर है वो डाल लेना है, डाल के माय फोल्डर में जो पेन फ्रॉम का ऑप्शन है उसी में डाल लेना है। अभी जाना है क्रॉप इमेज पे, देखिए ऊपर लिखा होगा फाइल और क्रॉप इमेज, आप लोगों का अभी जाना है क्रॉप इमेज पे, क्लिक जाके क्रॉप इमेज पे क्लिक करना है। तो मैं क्रॉप इमेज पे जाके क्लिक कर लेता हूँ। देखिए इस सॉफ्टवेयर में कैसे इस ये जो सॉफ्टवेयर है क्रॉपिंग और यूटिलिटी स्क्रीनिंग यूटिलिटीज को का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे क्रॉप करेंगे। तो हम अभी फाइल सिलेक्ट कर लिया है, उस फाइल में जाके पीडीएफ सेव कर लेना है। पीडीएफ सेव करने के बाद आप लोगों को क्रॉप इमेज पे जाना है। क्रॉप इमेज फिर से 0 डाल लेना है पास और 1 1 डाल लेना है। लेने के बाद इधर देखिए ब्राउज फाइल, उस पर क्लिक करना है। आपका जो पेन फ्रॉम में फोल्डर है जहाँ पे आप लोग सेव किया है वो एक फ्रॉम ले लेना है। देखिए अभी जाना है क्रॉप इमेज पे, जाके मार्क कर लेना है कितना कितना चाहिए। देखिए फोटो हो गया, अभी जाना है क्रॉप सिग्नेचर, जाके सेम क्रॉप करना है। अभी नीचे सेव बटन पे क्लिक करके ओके करना, सेव हो गया। देखिए मैं कहाँ सेव हो गया आप लोगों को दिखाता हूँ। जाना है माय फोल्डर पे, स्क्रीनिंग और यूटिलिटी का जो फोल्डर होता है, देखिए 001 फोटो में हो गया। देखिए फर्स्ट में जो हो, देखिए फर्स्ट में ये वाला हो गया, देखिए ऑटोमेटिकली। अभी सिग्नेचर देखिए हो गया। ऐसे होता है फ़ोटो और सिग्नेचर क्रॉपिंग एंड सेविंग। सेव कैसे करना है वो भी दिखा दिया, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, मैंने नहीं दिखाया, माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए फ़ोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिक क्रॉप करके सेव डाल देने से सेव हो जाता है। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, इस तरह से काम कीजिए, शॉर्टकट तरीके में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को दिखाई दिया कैसे कैसे होता है। ये जो फोल्डर होता है देखिए 001 वो फोटो साइन पे एक्सेप्ट फ्रॉम पेन फ्रॉम रिजेक्टेड फ्रॉम स्कैनिंग पीडीएफ सारा कुछ यही सेव होता है, इसी फोल्डर में सेव होता है।